फैक्ट 2, एक आम आदमी एक दिन में 2 से 3 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करता है, जो कि साल के एक साल में 730 लीटर बनता है। अगर एक आम आदमी की उम्र 70 साल लगाई जाए तो ये 51,000 लीटर बनता है, जिसे आप 2 स्विमिंग पूल भर सकते हैं। फैक्ट 3, हमिंगबर्ड दुनिया में सिर्फ एक ही परिंदा है जो कि एक ही जगह खड़े होकर लगातार उड़ सकता है, यानी कि वो उड़ते हुए कहीं जा नहीं रहा बल्कि उड़ते हुए ही एक जगह रुका हुआ होगा। हमिंगबर्ड के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि वो पीछे की साइड भी उड़ सकता है। इसके अलावा ये 90 डिग्री के ऊपर भी उड़ सकता है और नीचे भी, लेकिन ये ज़मीन पर चल नहीं सकता क्योंकि इसकी टांगें बहुत छोटी होती हैं और ज़्यादा मजबूत भी नहीं होती। फैक्ट 1, हमारे सूरज को हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का सिर्फ एक चक्कर लगाने के लिए 22 करोड़ साल लगते हैं। जब से सूरज बनाए तब से लेकर अब तक सिर्फ 20 बार ही गैलेक्सी का चक्कर लगाया है। फैक्ट 2, एक मधुमक्खी को 1 kg शहद इकट्ठा करने के लिए 50 लाख फूलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। खाते वक्त आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इसको इकट्ठा करने में कितनी मुश्किल होती है। फैक्ट 3, पूरी बॉडी में सिर्फ एक लीवर ही ऐसा ऑर्गन है जो 75% डैमेज भी हो जाए तो भी खुद को रिपेयर कर लेता है, वो भी 1 साल के अंदर। फैक्ट 4, 1990 से पहले अमेरिका में किताब पढ़ने वाले को लाइब्रेरी में बंद कर दिया जाता था ताकि किताबें चोरी ना हो सके। और दुनिया की सबसे ज़्यादा चोरी होने वाली किताब का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी खुद गिनीज बुक के पास है, जिसमें सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखे होते हैं। फैक्ट 1, एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट थी जिसका नाम था डिग। वो एक एम्प्लॉय की लापरवाही के चलते, मिसमैनेजमेंट के चलते अपना बिजनेस खो दिए। उसकी वैल्यू थी पहले 1400 करोड़ और मिसमैनेजमेंट के चलते इतनी बड़ी कंपनी आखिरकार सिर्फ 3 करोड़ में बिकी। कैन यू बिलीव दैट? मतलब इस दुनिया में कोई भी कितनी भी लेवल से नीचे या फिर ऊपर जा सकता है। फैक्ट 2, एक लेक है येलोस्टोन नेशनल पार्क में, उसमें पानी बहुत क्लियर होता है, बट जो लोग यहाँ घूमने आते थे वो पानी में गुड लक कॉइंस डालते थे अपनी इच्छाएं को बताकर, और उसके चलते मिस्टीरियस तरीके से ये पानी ग्रीन कलर में बदल जाता था। फैक्ट 1, कनाडा ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जर्मनी के कुछ फौजियों को कैदी बना लिया था। अक्सर कैदियों को टॉर्चर किया जाता है ताकि वो जल के राज खोल दें, लेकिन इन कैदियों के साथ इतना अच्छा व्यवहार हुआ कि जब इन्हें आज़ादी दी गई तो ये अपने मुल्क वापस जाने से इनकार करने लगे। कहने लगे कि भैया अब तो हमें यहीं रहना है, तुम चाहे जो कर लो। तो 2006 में एक ब्रिटेन के आदमी ने ऑस्ट्रेलिया को ईबे पर बेचने के लिए एनलिस्ट कर दिया और लोगों ने इसकी बोली भी लगानी शुरू कर दी। जब बिट $3,000 तक पहुंची, तब ईबे को होश आया कि कुछ तो गलत हो रहा है। ये देखकर ईबे ने वो एड वहां से रिमूव कर दी। समझ नहीं आता ऐसी चीजें बेचने वाले बेवकूफ हैं या खरीदने वाले। खैर, उस आदमी का कहना था कि मैंने बस यूं ही मजाक में एड डाला था, लेकिन मुझे क्या पता था कि लोग इसे भी खरीदना शुरू कर देंगे। जापान में अगर आप अकेले हैं या आपका कोई रिश्तेदार नहीं है तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ उसको रेंट पर भी ले सकते हैं। इसी मकसद के लिए याशी याजो नाम के एक आदमी की कंपनी दिन रात में काम करती है। इस कंपनी में करीब 800 लोग काम करते हैं, जिससे आप कॉन्टेक्ट करने के बाद कोई भी रिश्तेदार कई घंटों या दिनों के लिए हायर कर सकते हैं। फिर चाहे वो बीवी हो, पति, माँ, बाप, भाई बहन, चाचा चाची या कोई भी रिश्तेदार, फिर चाहे वो जवान हो या बूढ़ा, और चार्जेस भी सर्विस के हिसाब से ही होते हैं, यानी यंग लोगों के लिए ज़्यादा पेमेंट और बूढ़े लोगों के लिए कम चार्जेस। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि पैसों से रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। आप तो सुनते ही होंगे
मिलियनरीज बिलियनरीज मतलब करोड़पति और अरबपति। अगर आपके पास $1,000,000 है यानी कि 7 करोड़ रुपए, तो आप एक करोड़पति कहलाओगे। और अगर आपके पास $1,000,000,000 है यानी कि 7,000 करोड़ रुपए, तो आप बिलियनरी कहलाओगे। तो वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट बिलियनरी जॉन डी रॉकेफेलर नाम का एक व्यक्ति था। 1916 में ये पहली बार बिलियनरी बने, मतलब धरती का पहला इंसान जिसके पास 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपये थे। इनफैक्ट योर वर्ड बिलियनरी इन्हीं को डिस्क्राइब करने के लिए इन्वेंट हुआ था। फैक्ट वन, कोई भी इंसान कभी भी 1 बिलियन तक काउंट नहीं कर सकता। 1 बिलियन मतलब 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते आप बैठे बैठे 1,000, 10,000 या 1,00,000 तक तो काउंट कर सकते हो अगर आप में हिम्मत हो तो। पर बिलियन यानी 100 करोड़ तक पहुंचने के लिए अगर आप हर सेकंड भी 1, 2, 3 हर सेकंड एक एक काउंट करोगे, तब भी आपको 32 साल लग जाएंगे 1 बिलियन काउंट करने में।